हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माया हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ नवंबर से लेके 16th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Pentacles, Three of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Wands, and King of Pentacles. Okay. So, Aries, आप डील कर रहे हैं King of Pentacles से, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, जो कि बहुत स्मार्ट है और फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। तो आप दरअसल एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैच्योर है ओवरऑल देखा जाए तो, बट जब बात आती है रोमांस की और एक्साइटमेंट की तो ये पर्सन शायद आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहा है जितना आपको चाहिए। एंड ये चीज़ हो सकता है आप लोगों को परेशान कर रही हो। इनफैक्ट यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एरीज, तो लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को पाके ग्रेटफुल है। इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। ये वो पर्सन है जिसको लाइफ को एंजॉय करना वैसे तो नहीं आता। नॉट लाइक कि ये पर्सन हमेशा अपसेट रहता है या कंप्लेन ही करता रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वर्क पे फोकस्ड रहता है। बात इससे भी कहीं ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि खुल के जीना किसी तरीके से गलत है, बिकॉज उससे दूसरे लोगों ने जज करेंगे, दूसरे लोगों के नज़र में कोई इमेज बन जाएगी उनकी। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कंडीशन ही ऐसे किया गया है बचपन से कि वो हमेशा ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, किस वजह से उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि अपनी लाइफ को इंजॉय करना, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना, खुल के जीना किसी तरीके का कोई सेल्फिशनेस है। वो बहुत सेल्फिश हो रहे हैं अगर अपने बारे में सोच रहे हैं या जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना ही होगा। एंड इस पर्सन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। ओके अगर वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं ज़्यादा अटैच हो गए तो दूसरे लोगों ने जज करना शुरू कर देंगे। वो तो दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उन्हें डर है कि उनके फैमिली या फ्रेंड्स उन्हें बार बार इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे या कंप्लेन करेंगे। तो ये पर्सन उस चीज़ से बचना चाहता है। उन्हें लगता है कि आप पे ज़्यादा फोकस होना मतलब कि दूसरों को अपसेट करना। ओके उन्हें हर कोई ये कहेगा कि वो एक तरीके से दूसरों को भूल गए हैं और उनके लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती सिवाय आपके। इस वजह से भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह जाहिर करने से बच रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद इस पर्सन को ये भी सिखाया गया है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा जाहिर करेंगे तो सामने वाला उस फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा एंड उन्हें टेक इन फॉर ग्रांटेड लेगा। तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अपनी फीलिंग्स को जाहिर करके अपने प्यार को दिखा के आप कमज़ोर बन जाते हैं दूसरों के सामने और दूसरों को मौका मिल जाता है आपको हार्शली ट्रीट करने का, रूडली आपसे बिहेव करने का। तो ये सारी चीज़ इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। थ्री ऑफ कप्स के साथ ये वो पर्सन है जो आपको देखता है तो सोचता है कि आप कैसे इतने फ्री हैं, आप कैसे इतने बोल्ड हैं, कैसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर लेते हैं और बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ जाते हैं। इस पर्सन को आपकी ये एनर्जी, आपकी ये बोल्डनेस और आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। ये पर्सन आपकी कंपनी में एक फ्री सोल की तरह महसूस करता है। आप इन बटरफ्लाइज को देख रहे हैं, इनके पास विंग्स हैं, ये फ्री है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं, खूबसूरत है, लाइवली है और इन्जॉय कर रही है अपने जीवन को। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन को फील होता है जब भी वो आपके कंपनी में होते हैं। लगता है कि आपके पास जो पर हैं वो आपने उन्हें दे दिए हैं और वो भी उस समय काफ़ी फ्री महसूस करते हैं आपकी कंपनी में। ओके टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोचता है।
एंड देन उनके दिमाग में फिर वही सारे सवाल आने लगते हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या उन्हें अपनी खुशियों को चेस करना चाहिए, या फिर अपनी खुशियों को चेस करने के लिए उन्हें ब्लेम किया जाएगा, उन्हें ये कहा जाएगा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन बेवजह ही गिल्टी फील कर रहा है एंड वो एक प्रॉब्लम बन सकती है आपके रिलेशनशिप में। एरीज, आपको लगेगा कि अब आप दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, बट ये पर्सन शायद इसके लिए इतना रेडी ना हो और बहुत इनडिसाइसिव बिहेवियर दिखाए। सो आपके लिए इस पॉइंट पे क्लियर करना ज़रूरी होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके? अदरवाइज इस किंग ऑफ पेंटिकल्स को चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आएंगी। ये पर्सन आपके इमोशंस को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा एंड आपको उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा कि आप किस हद तक उनसे कनेक्टेड हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड कितने सीरियस हैं आप इस रिलेशनशिप को लेके, ताकि इस पर्सन को पता चले कि वो वेट कर सकते हैं या नहीं, ओके? बिकॉज ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से वापस जल्दी नहीं जाना चाहेगा और वो आपके रिलेशनशिप के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। एंड यस, मैंने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग ऑलरेडी कर दी है, तो आप इंटरेस्टेड है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ ये कनेक्शन बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। भले ही यहाँ पे जो भी नजर आ रहा हो सरफेस पे, सरफेस के नीचे भी बहुत कुछ है, बट द हर्मिट का मोड यहाँ पे है। इसका मतलब आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स जरूर हो सकती है, किसी बात को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड उसके बाद साइलेंस हो सकता है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा कुछ कहे ना एंड आपके पास भी ज़्यादा कुछ कहने के लिए हो ना, बट इस फेज में आपको कुछ भी अपने तरफ से करने की ज़रूरत नहीं, किसी चेंज को लाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। द हर्मिट का मतलब है कि कुछ समय सेल्फ रिफ्लेक्शन पे दीजिए और इस पर्सन को भी वही करने दीजिए। किसी पर्सन को आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं या रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है फ्यूचर के चैलेंजेस को लेके। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स शायद अपने पैसों के बारे में भी सोच रहा है। उन्हें लग रहा है कि एक बार उन्होंने कमिटमेंट किया या शादी कर ली तो उसके बाद उनके पास एक परिवार भी होगा, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और उन्हें लगता है कि जो कुछ भी है उनके पास वो सारे रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे, उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। ये सब बातें भी ये पर्सन सोच रहा है और इसलिए भी थोड़ा रिलक्टेंट है, क्योंकि दिमाग में तो टेन ऑफ कप्स में क्लियरली देख रही हूँ। अगर आप इस कार्ड को देखें तो उस पर एक जेलीफिश फैमिली है, एक ब्यूटीफुल कपल है एंड यहाँ बहुत सारे बेबीज भी है। तो ये पर्सन एक कंप्लीट फैमिली के बारे में सोच रहा है, बट अगेन ये ड्रीम इन्हें लगता है कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो मुश्किल है और उनसे आगे बढ़ना इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इससे डील करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन एक स्लो मूविंग एनर्जी है, इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया है ऑलरेडी, तो अब इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे चीज़ों को ठीक करना। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। फर्न, फर्न का कार्ड आपसे कह रहा है कि वक्त है खुद पे फोकस करने का और ग्रो करने का। आपके अंदर ग्रो करने की कैपेसिटी है और आपको खुद पे ही वर्क करना है। जहाँ तक इस पर्सन की बात है तो उन्हें भी खुद पे वर्क करने दीजिए एंड सही टाइम आने पे आप दोनों और क्लोज आ जाएंगे, ओके?
सो ये रीडिंग है इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.